गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, आज की कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम थी जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके पास गिवन होगा इन ए सर्टेन कोड, एक सर्टेन कोड में आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, व्हाट एल्स कैन यू डू फॉर मी फॉर मिस्टर अजय इज़ रिटर्न एज, और इस वाले सेंटेंस को इस टाइप से लिखा गया है, यू मिस्टर व्हाट कैन अजय एल्स डू मी फॉर। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर हर एक वर्ड को नंबर दे दिया। फर्स्ट जो व्हाट को जो है हमने फर्स्ट नंबर दे दिया, एल्स को टू, इस टाइप से। ठीक है, फिर हमने क्या चेक किया कि इन सभी नंबरिंग को सेकेंड सेंटेंस में कैसे अरेंज करके लिखा गया है। तो जो यू है यहाँ पर फोर्थ नंबर पर है, और जब इसका कोड बनाते टाइम, आंसर बनाते टाइम, एग्जामिनर ने क्या किया, फर्स्ट प्लेस पर लिख दिया। तो हमारा जो एक सीक्वेंस बन गई वो क्या बन गई, 4 8 1 3 9 2 5 7 6। अब इसी लॉजिक को हम नेक्स्ट स्टेप में फॉलो करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप में जो लॉजिक होता है वही सेम हमने नेक्स्ट स्टेप में फॉलो करना होता है। ठीक है, तो थर्ड आपके क्वेश्चन में थर्ड सेंटेंस गिवन है कि हाउ विल, हम कैसे लिखेंगे एनीवन, ये हाउ विल आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है, एनीवन एल्स हु कैन डू सच फेवर टू मी बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में हम इस सेंटेंस को किस टाइप से लिखेंगे। तो ये सेंटेंस हमने सेम एज इट इज़ ऊपर वाले के जैसे नंबरिंग डाल दिया है, और फिर इसको हम सेट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। सेकंड वाले की नंबर सीक्वेंस हमने एज इट इज़ नोट कर दी है यहाँ पर, और इसके जो वर्ड्स हैं वो हमने फाइंड कर दिए हैं। फर्स्ट है फोर नंबर पर, तो फोर नंबर पर आपका कैन आया है। एट नंबर पर, जो सेकेंड में एट है, तो एट नंबर पर टू है। ठीक है, और एनी वन फर्स्ट नंबर पर है, हु आपका थ्री प्लेस पर है, और मी आपका नाइन प्लेस पर है, और एल्स आपका टू प्लेस पर है, डू आपका फाइव प्लेस पर है, सेवन आपका फेवर है, और सिक्स आपका सच है। तो ये आपका आंसर बन गया। फोर आपके पास ऑप्शन होंगे, फोर सेंटेंस होंगे, जिसमें से एक सेंटेंस आपको इस टाइप से दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास एक वर्ड गिवन है कन्फ्यूज्ड, और उसके सामने उसका कोड गिवन है। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास फिर एक वर्ड होगा, और देन आपने एक कोड सर्च करना होगा। तो क्या करना है, जो कन्फ्यूज्ड हमारा वर्ड है उसको हम क्या करेंगे, वर्टिकली लिखेंगे। वर्टिकली जैसे कि सी ओ एन एफ यू एस ई डी, क्लियर। उसके सामने इसके कोड को लिख देंगे, ई एम एन B E F T V, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। लॉजिक आपके कुछ भी लग सकता है, मेनली तो जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर होता है उसमें आपके जो वर्ड्स होते हैं या जो लेटर्स होते हैं उनमें प्लस या माइनस होता है, उनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग। तो इसी टाइप का हम एक लॉजिक डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, पूरे वर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फोर फोर का पेयर बना देंगे। टोटल वर्ड में एट लेटर्स हैं, हमने फोर फोर बना दी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, जैसे आपका सी गिवन है, सी को जब हम बी से टच करेंगे तो क्या हो गया, माइनस वन। सी थ्री पर होता है, बी टू पर होता है, तो माइनस वन हो गया। ठीक है, ओ और एन, ओ फिफ्टीन और एन फोर्टीन, ये भी माइनस वन हो गया। एन फोर्टीन और ये थर्टीन, एम थर्टीन, तो ये क्या हो गया, माइनस वन हो गया। एफ सिक्स और ई फाइव, ये भी माइनस वन हो गया, क्लियर। नेक्स्ट हाफ में हम क्या करेंगे, यू वी, यू वी क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस वन। एस टी, एस टी क्या हो गया, प्लस वन हो गया। ई एफ, ई एफ प्लस वन हो गया। डी ई प्लस वन हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड गिवन है एस ई सी एल यू डी ई डी, क्लियर। हमने इसका कोड सर्च करना है, सेम फर्स्ट पेयर वाला लॉजिक ही हम सेम डिस्कस करेंगे। किस पर, नेक्स्ट पर। हम इसकी भी हाफ हाफ कर लेंगे, तो इसमें भी टोटल एट लेटर्स हैं, हमने इसको हाफ कर दिया है। हाफ करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लस माइनस
फर्स्ट हाफ में माइनस वन का लॉजिक है, तो फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंग जब हम माइनस वन का लॉजिक लगाएंगे तो एस 19 होता है, ई 5 होता है, सी 3 होता है, एल 12 होता है, ठीक है। 19 और माइनस वन करेंगे 18, 18 पर आर होता है। ई 5 माइनस वन करेंगे 4, 4 पर क्या होता है, डी होता है, ठीक है। सी 3 माइनस वन करेंगे तो बी यानी कि 2 हो गया। एल 12 माइनस वन करेंगे तो इसको ई के सामने लिख देती हूँ मैं, ठीक है। और एल 12 का फिर क्या करेंगे, माइनस वन करेंगे तो 11, 11 मीन्स के। तो ऐसे आपका क्रॉस में लॉजिक लग रहा है और सारा माइनस वन फॉलो कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट में प्लस वन हमने करना है। यू यू के जस्ट बाद हमारा क्या लॉजिक है, सॉरी यू के जस्ट बाद कौन सा लेटर आता है, प्लस वन करेंगे तो वी, ठीक है। डी ई ई ई एफ एफ डी और ई बी और ई, क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, क्लियर। अब आप जब भी ऑप्शन में से सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का एक वर्ड दिखाई देगा, के बी डी आर ई एफ ई वी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास जो वर्ड्स गिवन होते हैं उनमें जरूरी नहीं है आपका मीनिंग ही या कोई सेंस वाला ही वर्ड हो या कोई सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी आपके पास सेंटेंस है और उसका मीनिंग है उसको इक्वल्स टू में लिखना है। जैसे आपके पास गिवन है आर बी एम कि इन ए सर्टेन कोड कोडिंग सिस्टम आर बी एम स्टड ब्रो पस मीन्स, मीन्स में क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू लगा देंगे और उसका सेंटेंस आगे लिख देंगे, द कैट इज ब्यूटीफुल, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है टी एन एच पस डिम स्टड मीन्स, मीन्स को क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इक्वल्स टू करके द डॉग इज ब्राउन, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है एंड पस डिम ब्रो पस कस एंड पस डिम ब्रो पस कस, क्लियर। मीन्स इसके मीन्स को नेक्स्ट लिखेंगे द डॉग हैज द कैट, क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर हैज, तो हमें हैज का कोड बताना है कि हैज का आंसर क्या होगा, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड थ्री हमारे पास सेंटेंस बन चुके हैं। थ्री सेंटेंस में जब हम इन दोनों में कंपैरिजन करवाएंगे तो ये देखेंगे कौन सी चीज़ कॉमन है यानी कि कौन सा वर्ड कॉमन है। तो हमें यहाँ पर पस और पस कॉमन दिख रहा है, पस और पस को आपस में कट कर देंगे, और कुछ कॉमन दिख रहा है हमारे पास स्टड और स्टड कॉमन है, स्टड और स्टड को कट कर देंगे, क्लियर। अब यहाँ पर भी हमें दो ही वर्ड कॉमन मिलेंगे, द और द कॉमन है और यहाँ पर इज और इज कॉमन है, यानी कि मैं यहाँ पर आपको रफली बता दूँ कि स्टड और पस इसका कोड हम द भी बता सकते हैं, आइदर और इज भी बता सकते हैं। अभी क्लियर नहीं है, आगे चल के क्लियर होगा तो बताइए। नेक्स्ट टू और थ्री, टू और थ्री सेंटेंस में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास यहाँ पर कॉमन है डिम, तो डिम से डिम कट हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर डॉग से डॉग कट हो गया, तो डिम का हम क्लियर बता सकते हैं जो आंसर होगा वो क्या होगा, डॉग होगा, या डॉग का कोड क्या होगा, डिम होगा। नेक्स्ट हम फर्स्ट और लास्ट में देखेंगे क्या कॉमन है, तो फर्स्ट और लास्ट में जब हमने देखा तो हमारे पास ब्रो कॉमन है, ब्रो और ब्रो को कट कर दिया। यहाँ से फर्स्ट और लास्ट में हम देखेंगे क्या कॉमन है, कैट से कैट कॉमन है, तो कैट से कैट कट हो गया, तो ब्रो का हम डेफिनेट बता सकते हैं क्या कोड है, कैट, ठीक है। पस हमारा पहले ही ऑलरेडी कट चुका था तो दोनों पस कट हो जाएंगे,
ऊपर भी जैसे आपने देखा यहाँ पर भी टू टाइम्स द है, तो पस का आंसर हम द बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट फिर हमें बताना किसका था। अब यहाँ पर देखो कोई भी वर्ड बचा हुआ नहीं है, ओनली कस बचा हुआ है, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, हैज़ बचा हुआ है, तो हैज़ का आंसर क्या हो गया, कस। तो हमारा आंसर हैज़ का क्या हो गया, कस। तो आंसर क्या निकला, कस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए सर्टेन कोड कोट, आपके पास कोड गिवन है, आपके पास वर्ड गिवन है सी ओ वी ई टी, ऐसे कुछ, ठीक है, इज रिटन एज, इसको लिखा गया है एफ आर वाई एच एम। क्लियर। अब इसमें हम लॉजिक लगाएंगे, सी थ्री ओ 15 वी 22 ई 5 टी 20 एफ 6 आर 18 वाई 25 एच 8 और एम 13। क्लियर। तो सी को जब हम एफ से टच करेंगे तो हमारे पास लॉजिक क्या निकला, प्लस 3। ओ 15 और आर 18 प्लस 3, वी 22 और एच 8 प्लस 3, ई 5 और प्लस सॉरी वी 22 और वाई से टच करेंगे इसको तो 25, ई 5 और एच 8 प्लस 3 और टी 20 और तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ M नहीं था, यहाँ था हमारे पास W, तो T 20 और W 23 तो प्लस 3। क्लियर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है SH की विच वर्ड वुड बी कोडेड एज, कि कौन सा वर्ड जिसका कोड ये बन सकता है, SHDUO। यानी कि आपने यहाँ पर दो चीज़ गिवन है, यहाँ पर जो वर्ड गिवन है उसका कोड यहाँ पर है। क्लियर। और आपने क्या करना है, यहाँ पर ये चीज़ जो है वो ये है, यानी कि पीछे वाला वर्ड आपके पास गिवन है और आगे वाला आपने सर्च करना है। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, हम इधर से इधर जा रहे थे, प्लस 3 कर रहे थे, तो इधर से इधर जाएंगे तो माइनस 3 करेंगे। अब एस 19 एच 8 डी 4 यू 21 ओ 15। क्लियर। तो माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16, और 16 मीन्स क्या होगा, P। ठीक है, एच 8 8 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 5 मीन्स E। माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A। U 21 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, R। 15 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, स्पेस कम था मेरे पास, आप थोड़ा मैनेज कर लेना, 15 और माइनस 3 करेंगे तो 12 12 मीन्स L। अब जब आपने ऑप्शन देखे तो कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा, P E A R L, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है बिल्कुल सिंपल, लेकिन आपको देखने से ये लगेगा कि इसमें कुछ प्लस या माइनस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या किया गया है, सिंपल सर्च वाला कोड पुट हो रहा है, जैसे कि वर्ड गिवन है सी एल आई पी ओ एस ई, ठीक है, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, इसका कोड लिखेंगे एम टी डी एफ बी ई और जी। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास पुलिस, इसका कोड हमने सर्च करना है, तो P सेम सर्च कर दो, P के नीचे क्या है, F, तो ये इसका कोड हो गया। O, O का क्या बनेगा, B। L, L का क्या होगा, T। I, I का क्या होगा, D। C, C का क्या होगा, M। E, E का क्या होगा, G। क्लियर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, और ये आंसर कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, F, B, T, D, N, G, तो आंसर आपका सी ठीक होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।